मंडला पुलिस का पूरा परिवार है। मैं आप सबकी बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे वाकई ये एहसास कराया कि मंडला ही मेरा वास्तविक मायका है। रुंधी गली से बात करती दुल्हन की वेशभूषा में नजर आ रही ये महिला कोई और नहीं बल्कि मंडला में एसडीओपी के पद पर पदस्थ रही आकांक्षा चतुर्वेदी हैं। मंडला नैनपुर में 3 साल एसडीओपी रही आकांक्षा जब दुल्हन बनकर आई तो मंडला पुलिस परिवार ने उन्हें भावुक और शानदार विदाई दी। इस विदाई को एसडीओपी आकांक्षा शायद पूरी जिंदगी याद रखेंगी। अपने दूल्हे के साथ आकांक्षा जब अपने ससुराल के लिए रवाना हो रही थी तब मंडला पुलिस ने उनका फूल बरसाकर शानदार स्वागत किया। थाना प्रभारी आकांक्षा के आने के पहले उनके रास्ते में फूल बिछा रहे थे। इस पूरे स्वागत को देखकर एसडीओपी आकांक्षा भावुक हो गए। ये वाकई मुझे महसूस करा रहा है कि मैंने मंडला में जब पुलिस विभाग के लिए अपनी ड्यूटीज की हैं तो इस विभाग ने मुझे पुलिस परिवार की बेटी के रूप में ही देखा है। आज यहाँ मेरे आईजी साहब है, एसपी सर हैं, एसपी मैडम है और मंडला पुलिस का पूरा परिवार है। मैं आप सबकी बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे वाकई ये एहसास कराया कि मंडला ही मेरा वास्तविक मायका है। एसपी सर को, आईजी सर को, मैडम को, मंडला पुलिस के समस्त स्टाफ को और मंडला नैनपुर की पूरी जनता को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आपका आभार इस भावपूर्ण विदाई के लिए। नैनपुर से जैसे ही आकांक्षा अपने दूल्हे के साथ मंडला के रपटा घाट पहुंची ढोल और आतिशबाजी के साथ उनका स्वागत किया गया। पुलिस अधीक्षक यशपाल सिंह राजपूत और उनकी पत्नी ने दूल्हा दुल्हन की आरती उतारी। उसके बाद उन्हें नर्मदा पूजन के लिए नर्मदा तट पर ले जाया गया। पंडित जी ने मंत्रोच्चारण और पूरी रीति रिवाज के साथ पूजन कराया। इसके बाद बालाघाट जोन में आईजी संजय कुमार ने नव दंपत्ति का स्वागत किया। एसपी के मुताबिक आकांक्षा ने यहाँ नौकरी की है तो हमारे लिए बेटी है, इसी को देखते हुए आकांक्षा को दिल से अपनों वाली विदाई दी गई। आकांक्षा चतुर्वेदी हमारे जिले में डीएसपी एसडीओपी नैनपुर के रूप में रही हैं, वो जिले की प्रोबेशनर भी रही हैं और यहाँ पे एसडीओपी भी रही हैं और उनका जो पुलिस का जो विभाग का जो मैक्सिमम कार्यकाल उनका नैनपुर में बीता है तो हमने पुलिस परिवार ने अपनी बेटी की तरह से उनको आज विदा किया है। दरअसल एसडीओपी आकांक्षा चतुर्वेदी की सेवा की शुरुआत मंडला से हुई थी। मंडला जिले के नैनपुर पुलिस सब डिवीजन में उन्होंने 1 साल अपना प्रोविजन टाइम बिताया और इत्तेफाक से उनको पोस्टिंग भी नैनपुर में ही मिली थी। बतौर एसडीओपी वो 3 साल तक नैनपुर में रही। जनवरी महीने में ही उनका तबादला होशंगाबाद के सिवनी मालवा हो गया। उनकी शादी कान्हा टाइगर रिजर्व में कृष्णा जंगल रिसोर्ट में संपन्न हुई है। शादी के बाद जब आकांक्षा अपने पति हरीश के साथ गुजरी तो मंडला पुलिस ने उन्हें अपने परिवार की बेटी बताते हुए यादगार विदाई देकर माहौल को बेहद भावुक कर दिया। ये शादी जिले की अनोखी शादी मानी जा रही है जहां पर पुलिस के इस व्यवहार की जमकर तारीफ हो रही है। पंजाब केसरी के लिए मंडला से अरविंद सोनी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।